अपने रिसेंट हाई से स्टॉक नीचे काफी गिरा है, अभी पीछे 366 के आसपास के लेवल बनाए थे, अभी 168 पे आ गया है। और डेली चार्ट पर देखें अब ये स्टॉक में कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि अब जो इसका जो डाउन ट्रेंड है, हमें लग रहा है कि इसने एक डबल बॉटम, एक लंबे चार्ट पे, बड़े चार्ट पे, वीकली चार्ट पे एक डबल बॉटम फॉर्म कर रहा है स्टॉक 66 के लेवल के आसपास। तो कहीं ना कहीं यहाँ से दोबारा से एक स्टॉक में बाइंग बननी चाहिए। और फंडामेंटली अगर मैं स्टॉक की बात करूँ तो फंडामेंटली स्टॉक काफी अच्छा स्टॉक, क्योंकि सीमेंट सेक्टर से रिलेटेड एक स्टॉक है, ये करीब 10 के पी के लेवल के आसपास चल रहा है स्टॉक, और एक अच्छा डिविडेंड यील्ड है। और रामको ग्रुप की कंपनी है, तो कहीं ना कहीं इस लेवल के आसपास अगर किसी के पास है, ऊंचे लेवल का है, तो फिर तो उनको होल्ड ही करना पड़ेगा, लेकिन इस लेवल पे स्टॉक में बिल्कुल बाइंग इनिशिएट की जा सकती है 168 के लेवल के आसपास। मुझे लगता है इमीडिएटली स्टॉक में कहीं ना कहीं 190 तक के लेवल इमीडिएट लेवल पर बेसिस पर देखने को मिल सकते हैं।